मैं कैसी लग रही हूँ, बाल गीले गीले, शावर शावर से निकल कर आ गए बस। तो मस्त लग रही है। फ्लाइंग किस देना जरूरी था यार, मैं बड़ी ही अजीब सी लग रही हूँ गीले बाल में, चिपके चिपके बाल। अभी सूख जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चिपचिपे का है, मुझे कर्ली है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे कर्ली होने चाहिए, तो मेरे स्ट्रेट है और इसके कर्ली है। वैसे ये मेरी कॉलेज की दोस्त है, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, ये मेरे सारे राज जानती है पर ये आपको बताएगी नहीं। सो अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं और मुझे बहुत गंदी वाली भूख लग रही है। मैं टिफ़िन लेकर आई हूँ साथ में, मम्मी ने पैक किया है क्योंकि हम बाहर का ज़्यादा नहीं खा सकते, हम मोटे हो जाएंगे। और ये तो ठूस ठूस के खाएगी, बहुत गंदा गंदा ठूस ठूस के खाएगी, गंदा गंदा नहीं, अच्छा 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 खाएगी। बट मैं अपने बॉयल्ड एग्स ठंडा ठंडा खाएगी, ठंडा पिएगी, पीऊँगी, खाऊँगी, आइसक्रीम खाऊँगी, पीऊँगी, पिएगी तो आइसक्रीम पिएगी, आइसक्रीम खाऊँगी, कुछ जूस पीऊँगी ठंडा वाला। ये मोहतरमा अलग ग्रह से आई है, कृपया करके माफ़ कर देना अगर ये कुछ ऐसा बोले तो। बहुत मस्त है लोकेशन। अभी हम खाने के लिए कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने सुबह से सिर्फ चाय पिया है, मेरा पेट अंदर चला गया एकदम से, क्योंकि मैंने कुछ खाना नहीं खाया। ऐसा फील होता है जब आप नहीं खाते तो। सो लेट्स ऑर्डर समथिंग। तो ये हमारी मम्मी ने बनाया है, ये चने की सब्जी है, बॉयल एग है तीन, और रोटी तवा रोटी, जो कि आपको पता है कि मैं घर का खाना ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। वीकेंड में मैं बाहर का खाती हूँ, मेरे डाइटिंग में नहीं आता है बाहर का, इसलिए मैं सैटरडे संडे बाहर का बहुत ज़्यादा ठूसती हूँ। और आज मंडे है इसलिए। वैसे मैंने अपने रूम पे इस मोहतरमा के लिए बिरयानी मंगवाई है, चिकन बिरयानी। ये चिकन बिरयानी आएगी तो मैं उसमें से 2-3 चम्मच खाऊँगी, पर अभी फ़िलहाल मैं अपना खाना खा लेती हूँ और हम वेट कर रहे हैं बिरयानी का। और मैं अपना खाना खाने के बाद मैं तैयार होंगी। ऐसे ही लोग होते हैं, बस रूम ना मिला, बेड ना मिला, अच्छा पटा गए, मरे की तरह पटा गए। मतलब लग रहा है इसको थक गई, कुछ नहीं किया। हमारी बिरयानी आ गई है, ये रहा ऑरेंज जूस मेरे लिए और ये वाटरमेलन जूस इस बंदी के लिए, इस नमूनी के लिए। और बिरयानी वैसे स्मेल तो क्या मस्त आ रही है यार, अरे रे रे, चिकन बिरयानी और उसके अंदर क्या है, इसके अंदर रायता है, रायता होगा। और ये सैलड, मैं तो जूस पीऊँगी। सो गाइज, मैं अभी मोहतरमाए हिमू के लिए बिरयानी निकाल रही हूँ और हम अभी रायता भी निकालेंगे। इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना, मन कर रहा है मैं खा जाऊँ। मैं नहीं खा सकती इससे टॉर्चर। कोई बात नहीं, मैं जूस पीऊँगी, ऑरेंज जूस। अभी राइस इतना ठीक है या और निकालूँ? नहीं, इतना काफ़ी है। अभी हम थोड़ा सा रायता भी डालेंगे। ओह माय गॉड, रायता इज़ लुकिंग सो यम्मी। बिरयानी एंड रायता गाइस, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस आई जस्ट डिड। खाने का मन कर रहा है, ले रे, ले इसको मेरे हाथ से ले। कैसा टेस्ट है बिरयानी का? मस्त है, साथ में तेरी सब्जी भी ले ली मैंने। हाँ, तो कुछ ना ले मेरा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बता कैसी बिरयानी, सच सच बोलना। देख अच्छी है, लेकिन तेरे घर पे जो खाई थी ना हिंदी की बिरयानी, जय बात।
सो गाइज नाउ वी आर डन विद द प्लेट्स और अभी हम ये पल्लू डालेंगे. मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है बट आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट. मुझे गाना याद आ रहा है आखिर क्यों पर मैं यू दीवाना हो गया तुम्हें जो मैंने देखा. ओ साड़ी में चलना बहुत मुश्किल है अगर हील्स नहीं पहना हो तो. मुझे वो वाला गाना भी याद आ रहा है साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे कभी तोड़ दिया दिल कैच किया रे टच करके बस. गाइस नाउ मैं इयररिंग पहनूंगी. मैंने मेकअप तो कर लिया है. लुक प्रीटी इयररिंग पहनूंगी. हमारे पास दो ऑप्शंस है इयररिंग के लिए, एक ये और एक ये वाला. एंड गाइज आई नो हमने आपको बताया नहीं कि हमने कैसे शूट किया, कोई क्लिप्स नहीं ली, पर आप इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट और वीडियोस चेक कर सकते हैं कि हमने उस साड़ी में कैसे शूट किया और कैसे पिक्चर्स आए. अभी फ़िलहाल मैं चाय पी. गाइज ये हमारा रूम ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है शूट करने के बाद. और अभी मस्त मौसम हो रखा है बाहर, शाम हो गई है ऑलरेडी, रात हो गई मतलब अंधेरा हो गया है. और हमने चाय ऑर्डर किया है, अभी बज रहे हैं 7:20. तो या हम लेट हो गए पर चाय की तलब तो तलब है यार. चाय इन द हाउस. चाय पी रहे हो आप, कैसा लग रहा है, थक गए? यार चाय की तलब जो तलब है वो तलब कहीं नहीं है. इस दुनिया में ऐसी कोई तलब नहीं है जैसी चाय की तलब है. तो तलब जैसे मिल जाए तो फिर दिल कैसा खुश हो जाता है, वैसा ही खुश हो गया है मेरा दिल. चाय. सर ये लाइंस कहाँ से लाते हो आप? दिल से निकलती है बस. चाय के लिए जो प्यार है हमारा, इतना प्यार तो हमने किसी से भी नहीं किया पता. इसमें तो हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिंगल है हम. प्रे कीजिए कि हमारा कोई बन जाए. मम्मी पापा सब पीछे पड़े हुए, शादी कर लो. दूल्हा नहीं मिल रहा यार, चाय भी काम चला रहे. वैसे मस्त है. सो अभी हमारी चाय हो गई है एंड ये ज़्यादा चीनी वाली मेरी है, कम शुगर वाली सोफिया मैडम की. और अभी ये तैयार हो रहे हैं. आप हमें बताएंगे कहाँ जा रहे हो? हम लोग वो ग्रे कलर का गाउन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने ज़ारा से लिया था. वो करीबन 2800 के आसपास है. 3000 हो गया यार, ठीक है. और मुझे वो कब से पहनना था और मैंने हमेशा सोचा था कि कोई अच्छा सा लोकेशन होगा, अच्छा सा इंटीरियर होगा तो वहाँ पे ये गाउन पहन के फ़ोटोज़ खिंचवाऊँगी. तो पता नहीं क्यों मैं नर्वस हूँ, मुझे बहुत दिन से वो गाउन पहनना था. सो नाउ आज मैं उसको पहनूँगी, इसलिए मैंने ग्रे कलर का आई शेडो कर लिया है एंड लिपस्टिक पीच किया हुआ है मैंने. अभी मैं तैयार हो रही हूँ, फिर हम नीचे जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज सुबह से हम रूम से बाहर नहीं गए. तो अभी हम बाहर जाएंगे, मैं गाउन पहनूंगी, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचेंगे उसमें और फिर उसके बाद वहाँ से हम रेस्टोरेंट में चले जाएंगे और डिनर करेंगे. और मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिनर में क्या खाया. Oh damn, it's looking so nice. OMG, मुझे हॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही है. आई बी लाइक चलो रेड कारपेट पे चलते हैं, लेट्स गो. बाल खोल लो. हाँ बाल खोल लो. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे. परफेक्ट. मैं ये चोकर पहनूंगी बिकॉज मुझे चोकर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू लूप से. यार मेरे सर पे नहीं जा रहा. ऐसे भी अच्छा लग रहा है ना. ऐसे अच्छा लग रहा है बट वी डोंट हैव टू गो विद दिस थिंग बिकॉज ये एक चोकर है. तो दिस आई नीड हैंड्स बट हम दो ही लोग हैं तो. सो गाइज ये चोकर ऐसे आएगा यहाँ पे. ये चोकर मैंने नायका से ऑर्डर किया था. आप चाहो तो नायका पे जाके सर्च कर सकते हैं, ये चोकर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं जिनको भी चाहिए ये चोकर. ये चोकर मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली एंड इसे मैं दूसरी बार पहन रही हूँ. सो या एज यू कैन सी दिस इज़ अवर हेयर स्टाइल फॉर टुडे. एंड हम हील्स हील्स कहाँ गई? हील्स हील्स वहाँ पे. ओके सो गाइज हम
हील्स, मैं हील्स भी ग्रे कलर का लेकर आई हूँ बिकॉज मुझे पहनना था ये, इसलिए. सो टुडे आई एम लुकिंग लाइक अ सिंड्रेला और काइंड ऑफ अ प्रिंसेस, मुझे नहीं पता, प्रिंसेस सोफिया. ऐसा है ना, डिज्नी पे आता है प्रिंसेस सोफिया. यस, सो टुडे आई एम गोना बी अ प्रिंसेस सोफिया एंड चलिए आप मेरे साथ, लेट्स गो. चलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली ये डेज़र्ट ने मेरा दिल तोड़ दिया. इतने सारे डेज़र्ट है कि आई कांट ईट, बट बस मैं उसकी सुगंध लेके, उसकी स्मेल लेके और उसको देख के अपना जी भर सकती हूँ. इस मैडम को देखो, कुछ तो बहुत हो गया आज तो. यस, रबड़ी. क्या बोल रही? रबड़ी रबड़ी. एक रपाट मारा ना खींच के घर पे तेरी सारी. तेरे घर की अच्छी है, तेरी मम्मी के हाथ की बहुत मस्त लगती है. ये यही सब बोल बोल के खाती है मेरे सामने. कुछ तो स्वीट ना खाओ ना तब तक अच्छा नहीं लगता. मतलब रोज स्वीट चाहिए तुझे? हाँ, दैट्स व्हाई आई एम वेरी स्वीट, यू नो. ए ए, तू चुपचाप खाना, दिमाग की क्यों हिला रही है? यू वांट? हाँ, तो मेरे को ललचा रही है. चीज केक, लोटस चीज केक. मैं जा रही हूँ. आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ. तुझे भूख नहीं लगी है? लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा लगी है. सो इसने तो डेजर्ट खाया और खाने का ऑर्डर कर दिया था और खाना हमारे रूम पे आने वाला था. तो अभी हम रूम पे जाएंगे बिकॉज खाना रूम पे आने वाला है. एंड पिक्चर्स आप इंस्टाग्राम पे चेकआउट करना मत भूलिएगा. आई लव दिस प्लेस. मेरा चोकर बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बैक इन आवर रूम, क्योंकि हमारा डिनर आ गया है. ये रहा हमारा रूम, ये रहा हमारा डिनर. मैं आप लोगों को वेट करवाया क्या? इतना एम्बैरेसमेंट कभी नहीं लगा, सारी चीज़ें फैली हुई है. वो आया और हमारा डिनर उसने रखा और मुझे इतना एम्बैरेसिंग लग रहा है. सारे कपड़े इधर उधर फैले, वो देखो वहाँ पे एक कपड़ा है, वहाँ एक कपड़ा. तेरे है ना दोनों? लजीजेदार खाना. सो क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा नहीं खुल रहा था बालकोनी का. बोल रहे हैं उसके बाद हम खाना खाएंगे, हमारा खाना ठंडा हो रहा है, बट ठीक है. नीचे ही हलतो नहीं है, क्या कर सकते. सो फाइनली गाइज, अंकल चले गए हैं. उन्होंने करीबन आधा घंटा ले लिया एंड हम ऑलरेडी लेट हो गए भाई डिनर के लिए. पता नहीं गर्म है कि नहीं. ओ गर्म है ये. yes, नीचे इन्होंने कैंडल्स लगा रखा है ताकि वो गर्म रहे. यू कैन सी. और हमारा जूस, पता नहीं इसका क्या हालत हो रही होगी यार. ठीक है, तो हमने मंगवाया है आज, ये रही हमारी तवा रोटी. ये हमारी तवा रोटी है, हमारा ग्रीन सैलड और ये है मटन रोगन जूस ग्रेवी आइटम. राइट? यस यस. मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, पहली नहीं दूसरी बार ट्राई कर रही हूँ. मैंने इससे पहले पुणे में खाया था, बहुत रापचिक लगी थी मुझे. अभी मैं ये ट्राई करूँगी और मैं पता नहीं कैसा लगेगा पर ट्राई करते हैं. मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. चिकन तो तंदूरी है गाइस, इट्स वेरी वेरी हॉट बिकॉज नीचे इन्होंने कैंडल लगा के रखा था. ओ भाई साहब, मुँह में पानी आ रहा है. चिकन तंदूरी मतलब प्यार. अरे रे 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 रे, लाजवाब लाजवाब. सो गाइज, मटन रोगन जोश ग्रेवी डिश है मेन कोर्स में. बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही अम्मी है. इसके स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं. मटन अच्छे तरीके से कुक्ड हो गया है, मस्त सॉफ्ट सा लग रहा है, फ्रेश. बहुत मसाले वाला है लेकिन ये आप इसको सैलड के साथ खाइएगा, या तो आप जूस ले सकते हो वाटरमेलन या फिर ऑरेंज.
मसाला बहुत है इसलिए, पर बहुत मस्त बना है, वेरी 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 यमी। मल नल चाय रहा ना जाए। तो गाइस फाइनली रात के 2 बज रहे हैं, अब हमने बेड पे आ चुके हैं सोने के लिए, हमने खाना खाया, गप्पे वप्पे मारे, बातचीत किया, तो अभी हम सो जाते हैं, बहुत थक गए हैं, नींद भी आ रही है, तो सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग व्यू बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पर, सुबह की धूप। वी आर गेटिंग रेडी फॉर पूल एक्चुअली, हम थोड़ा उठने में देर हो गई थी, अभी बजे 8:30। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक तो नींद पूरी नहीं हुई है और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, एंड पता नहीं आप लोग ऐसा करते कि नहीं करते, पर होटल्स में आने के बाद ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। सही। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे अच्छे उपमान आपको वहाँ पर मिलते हैं, तो बट ऑब्वियसली आप इन्जॉय कर सको, तो इसलिए अभी हम ब्रेकफास्ट खाने जाएंगे, फिर उसके बाद हम पूल के पास जाएंगे। कॉस्ट्यूम इज रेडी। हाँ, पूल का कॉस्ट्यूम रेडी है, यहाँ पे हम पूल जाएंगे और थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम चेकआउट करके अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि एज़ यू नो ये बस ऐसे ही रिफ्रेशमेंट्स के लिए हम आए थे यहाँ पे, कि हमें ये रिसॉर्ट विज़िट भी करना था, हमने बहुत सुना था इस रिसॉर्ट के बारे में और अच्छा लगता है। सो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और एक तो मैं इतनी स्लो चल रही हूँ क्योंकि मैं अभी भी नींद में हूँ, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, जब भी रिसोर्ट या होटल्स में जाओ, काम हो या घूमने जाओ, कभी नींद पूरी नहीं होती है यार, कभी नींद नहीं पूरी होती। वही मेरी तो जिंदगी खराब हो रखी है यार, नींद ही नहीं आती है यार। मुझे इसकी फ्लोरिंग अच्छी लग रही है, वुड की फ्लोरिंग है, सुबह कितना मस्त लग रहा है ये सब भी। मेरी वुड वुड मेरी बाइक कैसी लग रही है? वो वाले टेबल में बैठते हैं। फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग समथिंग हेल्दी, राइट? हाँ, ये पहली बार ये हेल्दी क्यों लेकर आई है मेरे को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ दिमाग ठीक है। ओट्स लेकर आई है, कैशियो नट ओट्स क्या? कुछ भी, आज सूरज नहीं निकलेगा। सो गाइस हम ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं। यार क्या फ़ायदा ब्रेकफास्ट करने का यार, सो यार ऐसा लगता है ना होटल रिसोर्ट में आके उठो, एक तो नींद पूरी नहीं होती, फिर ब्रेकफास्ट करो उसके बाद और ज़्यादा नींद आती है। मैं नहीं जा रही यार। चलिए मैडम, बारिश अब भी बंद हुई है, गुड नाइट। सो गाइस अभी ऐसा है कि थोड़ा हमको देर हो गई थी बिकॉज सुबह बारिश हो रही थी, अभी बादल खुल गए, कितने मस्त लग रहे हैं, और सोफिया जी अभी तैयार हो रहे हैं। सोफिया यार कितना टाइम लगा रही है, जल्दी जल्दी। ओहो क्या बात है, हाउ इज़ लुकिंग? सुपर हॉट। थैंक यू सो मच। ये सनसोर्ड मैंने अर्बैनिक से मंगवाया है, मुझे लगा मेरी बॉडी पे फिट होगा, अच्छा दिखेगा। कैसा लग रहा है मेरी बॉडी? बहुत मस्त लग रहा है यार, तेरी बॉडी भी मस्त लग रही है, ये 6 साल की मेहनत का नतीजा दिख रहा है। जी हाँ, 6 साल से मैं वर्कआउट कर रही हूँ और डाइट फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मेरी बॉडी ऐसी है, मतलब अच्छी है। आई नो बहुत मेहनत लगती है, कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई नो
सो चलते हैं अभी पूल में. हमने मस्त सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, अभी हम स्विमिंग पूल में जाएंगे, मस्ती करेंगे. थोड़ी बारिश हो गई थी तो मुझे और हमें लेट हो गया स्विमिंग पूल में जाने में, क्योंकि आपको पता है रेनी सीजन आ गया है और बारिश में स्विमिंग पूल में जाना मतलब सर्दी खांसी जुकाम मेरे को तो पहले ही होगा. तो हम चलते हैं स्विमिंग पूल में, डुबकी मारते हैं मस्त. यार वो गाने की फील नहीं आ रही ये वाले कॉस्ट्यूम में. Fishies. Hi, fishies. ये छोटा वाला पूल है, यू कैन सी. फाइनली सो गाइज, फाइनली हम ये बड़े वाले पूल पे आ गए. इधर दो हाइट के हैं, एक 2 feet है और एक 4 feet है, राइट? 2 feet और 4 feet है और ये करीबन 300 meter लॉन्ग है ये पूल. ये बहुत बड़ा पूल है, पूरा आगे तक है और वहाँ पे भी है. चलो आ जाओ, जंप मारो इसमें. सो लेट्स गो. ओके, आज ब्लू है पानी पानी. मैं पानी पानी हूँ. चलो एंजॉयिंग वेरी वेरी मच. वो पता है गर्मी का स्टेप है. हाय गर्मी शे. हाँ यहाँ पे कर सकते हो आप. यहाँ पीछे सब लोग खड़े हैं वहाँ पर. फिर भी ठीक है, चलो. हाय गर्मी इनिंग इनिंग क्लीन नहीं जाएगा कोई. संभाल के संभाल के आराम से मैडम. अरे यार तू एक तो अंदर आ नहीं रही है, इतना सेक्सी सा क्लाइमेट हो रखा हुआ है. मैं भी सेक्सी, मैं एकदम हॉट, पानी में आग लगा रखी है. यहाँ पे कोई बंदा. तुझे स्विमिंग आती है? नहीं आती यार, इसीलिए स्विमिंग नहीं आती है. इसलिए बचाने वाला चाहिए ना. इसलिए मैं 2 feet वाले पानी के अंदर हूँ अभी. ये देखो सेक्सी. क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी के अंदर, मतलब डीप में मैं नहीं जाती स्विमिंग पूल में, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है. यार मज़ा नहीं आता इतना रोमांटिक मौसम यार. फिर इसके बाद हम चेकआउट कर लेंगे और चले जाएंगे. और होप सो आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो. छोटा सा ट्रिप था एक दिन का, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग एंड नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय. हम रास्ते में मैकडी में रुके हैं क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा. तो ये रहा मैकडी. सो हम लोगों ने ऑर्डर किया है मैक स्पाइसी चिकन बर्गर. मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, फिर मैंने इसको खिलाया तो इसका भी फेवरेट हो गया. सो हम वेट कर रहे हैं, हम यहाँ से टेक अवे लेंगे बर्गर का और फिर कैब में बैठ के पीछे खाएंगे, ठूसेंगे हम और फिर घर जाएंगे. सो गाइस आई एम होम. आई सी यू. आगे रखो.